असली जासूस। ये एक तूफानी दिन था। बेचारे अनजान छाते को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। फिर शुरू हुआ एक खेल। ये कैसी आवाज थी? लगता है ऐसी कुछ सुना होगा, या कोई था। फिर तूफान शांत हुआ, लेकिन एक अलग तरह का तूफान यहाँ मंडरा रहा था। हे बियोन, तुमने मेरा छाता लिया? सोच के बताओ। मैंने नहीं, तो मैं क्यों लूंगा? मेरे पास है, देखो ये रहा। दा दा दा। अभी तो यहीं रखा था, यहीं पर था। अजीब बात है, ये क्या हो रहा है? बियोन, मेरा छाता भी खो गया है। अभी तो यहीं था और अचानक गायब हो गया। सच में अजीब है, लगता है यहाँ कोई छाता चोर है। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? वैसे नहीं तो मैं बताता हूँ इसका मतलब। जासूस बकी और बियोन दोनों चोर का पता लगाएंगे, और इस तरह दोनों काबिल जासूसों ने इस पेचीदा मामले की जांच शुरू की। उनका पहला कदम था एक खास कार बनाना, जासूसी कार। और फिर आंखों का चश्मा चढ़ाए, पूरी स्पीड से दोनों जासूस निकल पड़े अपराध को सुलझाने। ये क्या है? गवाह, संदेह। फ्रैनी सुनो, कोई हमारे छाते चुरा रहा है। तुम्हारा छाता तो गायब नहीं हुआ ना? नहीं तो, मेरा तो गायब नहीं हुआ। हमसे छुप नहीं सकता है कोई, हम सब जानते हैं। अच्छा बताओ, आसमान नीला क्यों है? यहाँ सवाल मैं पूछूंगा। तुम कल रात कहाँ पर थी श्रीमती फ्रैनी? मैं घर पर सो रही थी। मुझे पता था, सच बताओ छाते कहाँ छुपाए हैं? बोलना शुरू करो। बकी, मुझे लगता है तुम गलत समझ रहे हो। फ्रैनी क्यों हमारे छाते चुराएगी? कोई सुराग ढूंढना होगा चोर को पकड़ने के लिए। सुराग? हाँ, जासूस बकी कसम खाता है कि कोई ना कोई सुराग निकाल कर रहेगा। चोर ने छाते यहाँ से उठाए और घटना को अंजाम देने के बाद भाग गया। उसके पैर के निशान कहाँ हैं? चिकी मदद करो, जाओ निशान ढूंढो। चिकी जांच में माहिर है। मिल गया, बहुत अच्छे। देखो, यानी दो चोर हैं। मामला पेचीदा है। नहीं, मुझे लगता है वो चार थे। नहीं, छह थे, चोरों का गैंग था। बकी एक मिनट। और बकी रुक गया। हम अपने ही पैरों के निशान देख रहे थे और इस तरह हमारा सुराग गलत निकला और फिर वो फंस गए। पहली बात, हमें पता है हमारे छाते चोर ने चुराए। दूसरा, चोर ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। इसका मतलब चोर ने सुरंग का इस्तेमाल किया। हमारे छाते चूहों ने चुराए हैं। अच्छा, चूहों ने चुराए हैं, तो अब हम छाते कैसे वापस लाएंगे? इस बात को ध्यान से सुनो मेरे दोस्त। हम जाल बिछाएंगे और उन छाता चोर चूहों को पकड़ेंगे। हमें उन्हें फंसाना होगा। कैसे फंसाएंगे? अब तो हमारे पास छाता भी नहीं है, सब चूहे ले गए। पर मेरे पास एक है। और फिर जासूस बकी एक बचे हुए छाते अपने तेज दिमाग के सहारे उस चोर को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। इस तरह इंसाफ से दूर नहीं था वो। अब इंतजार है चोर के फंसने का। तैयारी पूरी है, चोर फंसने ही वाला है। वो जमीन से निकलेगा किसी भी वक्त, कभी भी निकल सकता है। लेकिन तभी आया कहानी में ट्विस्ट। बाकी क्या हुआ? फंसा उसे, तुम्हारा पिंजरा काम नहीं आया। ये चूहों के लिए है, उड़ते चूहे नहीं देखे मैंने। अरे बकी, उसे पकड़ेंगे कैसे? चलो उसका पीछा करते हैं। जल्दी, अब शुरू होगा चोर सिपाही का खेल। तुम नहीं बचोगे। वो जंगल से बाहर जा रहा है, छाते को छुपा देगा। बियोन, तुम गाड़ी चलाओ। क्यों? मुझे कुछ और करना है। और उसने अपने छातों के लिए जान की बाजी लगा दी। क्या बात है, सही निशाना था। ये तो चूहे नहीं है। सबूत के हिसाब से तो चूहे होने चाहिए थे। ओ, कितने प्यारे चूहे हैं। ठीक है, वो प्यारे हैं, लेकिन वो छाते हमारे हैं। कोई बात नहीं, वो मेरा छाता रख सकते हैं। वो मेरा छाता भी रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो मेरा छाता भी रख सकते हैं। ये जासूस जा रहा है नया केस सुलझाने। मुझे यकीन है चूहे कुछ तो चुरा रहे होंगे।
एक जासूस कभी नहीं आराम करता। प्रकृति की खूबसूरती। सूरज निकलते ही बाहर टहलने और खेलने में आता मजा। बाकी पेड़ों को ऐसे किसने लगाया है? कोई इधर कोई उधर, इनके पीछे कोई कैसे जा सकता है? बाकी हाँ? बच्चे आया मजा। मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं जैसे चाहूँगा वैसे पेड़ लगाऊंगा, क्योंकि मैं हूँ बाकी। बाकी संभाल के। हाँ? क्या? ओ, पियोन, हे, हेलो, क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? हे बाकी, मैं तो बस प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले रहा था। हाँ, और तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मुझे भी दिखाओ, कहाँ है प्रकृति, कहाँ है खूबसूरती, दिखाओ। हाँ, यहाँ है। मुझे तो प्रकृति नहीं दिख रही। वेल, बाकी प्रकृति यहाँ से चली गई, क्योंकि किसी ने उसे डरा दिया। हैं? प्रकृति को देखना चाहिए शांति से, और उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ, अच्छा, तो तुम जंगल को समझाओ। मैं जहाँ भी पैर रखता हूँ कुछ न कुछ टूटता रहता है। मैं पेड़ों से टकराता हूँ, ये सही नहीं है। ओह हे, मैं कोई तरीका निकालूंगा प्रकृति का मजा दूर से लेने के लिए। शोर करूंगा पर तरीका जरूर ढूंढ निकालूंगा। ये नहीं, ये भी नहीं, ये सब भी नहीं। ट्राइपॉड, गुड, इससे मैं प्रकृति को आराम से कहीं से भी देख सकता हूँ। अब बस मुझे प्रकृति को ढूंढना है इसकी जांच के लिए। मिल गई। चिकी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बस देखना चाहता हूँ। घबराओ नहीं, भागो मत। रुक जाओ, मैं बस तुम्हारी खूबसूरती देखना चाहता हूँ। कहाँ गए? वो रहे प्रकृति। ओह, हे चिकी 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 चिकी। प्रकृति कहीं छुप गई है, अब मैं क्या करूं? सोचो बकी। हाँ, कोई बात नहीं, पियोन को ये पसंद आएगा, क्योंकि ये मस्त है। वैज्ञानिक और तेज बुद्धि वाले लोग ये कहते हैं कि प्रकृति को शोर से परेशानियाँ होती हैं। ठीक है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? चुप्पी, एक ड्रामा के लिए। जो शोर मचाए बगैर नहीं रह सकता, पता वो क्या करे? लेकिन अब बकी के आविष्कार से इस समस्या का हल मिल गया है। अब प्रकृति को देखेंगे इस मशीन से। बोलती बंद है ना, लेकिन तुम्हें प्रकृति को देखना है ना? वो भी बिना शोर के दूर से। तो ये मशीन तुम्हारे काम आएगी, बस उसके लिए इस जूम बटन को दबाओ। जूम, प्रकृति कैद हो गई, और अब आराम से उसकी खूबसूरती को देखो। मन भर जाए तो वापस छोड़ दो। कहाँ भाग रहे हो बदमाश प्रकृति? यहाँ बैठो। ठीक है, अब तो रुको। यानी प्रकृति और खूबसूरत हो जाती है जब मेरा ये तरीका काम आता है। ठीक है? ठीक है बाकी, ये तरीका अच्छा है, पर उत्तर में हमारा प्रकृति को देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। तुम मेरे साथ चलकर क्यों नहीं देख लेते? क्या बात है। हेलो उल्लू, माफ करना। हेलो उल्लू, ये तो बहुत खूबसूरत है। नीला हिरन, मैं सोच रहा था वो मेंढक डरा क्यों है। ओह, कितने प्यारे अंडे हैं। ये तो गड़बड़ हो गई। ये सब मजेदार है, प्रकृति को ऐसे ही देखना चाहिए। सही समझे, अगर प्रकृति को पता न चले कि तुम उसके बीच में हो, तो तुम ज्यादा चीजें देख पाओगे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा प्रकृति, तुम मजेदार हो।
अपने नियम। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, गिनती खत्म, सब छुप जाओ। लेकिन प्रेनी से नहीं बच सकते, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अच्छू थप्पा बियोन, ये तो बहुत आसान था, अब तुम ढूंढोगे हमें। लेकिन अगली बार तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगी, बिल्कुल भी नहीं, बच के रहना। जाओ, जाकर छुप जाओ कहीं भी, पर तुम मुझसे नहीं बच सकती। ताकि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। नहीं नहीं, तुम नहीं देख सकती। क्या मतलब है, मैं देख सकती हूँ, तुम मेरे सामने हो। हाँ बकी, मैं भी तुम्हें देख सकता हूँ, लेकिन मैं एक पैर पर खड़ा हूँ, इसका मतलब चोर मुझे नहीं देख सकता। ये क्या बात हुई, ये कोई रूल नहीं होता गेम में। ओ ऐसा होता है, ये खुफिया रूल है जो सिर्फ सबसे अच्छा छुपन छुपाई खिलाड़ी जानता है। मतलब बकी जीत गया। पियोन अब तुम चोर बनोगे। और तुम्हारा क्या, तुम ऐसे ही गायब रहोगे? हाँ, जब तक मैं एक पैर पर खड़ा हूँ। हाँ तो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा गेम नहीं खेलना है, ठीक है? क्यों ना हम एक दूसरे को छूने वाला गेम खेलें? ये सही रहेगा, वो शुरू करते हैं। तो मुझे नहीं पकड़ पाओगे। रानी जम जाओ। अब तुम बचकर कहाँ जाओगे बकी? हाँ, ऐसा नहीं है, जब तक मैं एक कान पकड़कर बैठा हूँ तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तुमने अपना फिर से रूल बना लिया। ये तो बहुत फेमस रूल है, तुम किसी भी किताब में पढ़ सकते हो, ये कान पकड़ नियम है। मैंने ऐसे नियम के बारे में कहीं नहीं पढ़ा। तो मुझे नहीं पता कि तुम कैसे गेम खेलते हो, पर ये रूल तो बहुत पुराना है। चलो बॉल से मारने वाला गेम खेलें। अगर बॉल ने तुम्हें छुआ तो तुम्हारी बारी होगी। हाँ, 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 बॉल मेरा कुछ नहीं कर सकती। पर बॉल तुम्हारे हाथ में है बकी। नहीं नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि बॉल मेरा कुछ नहीं कर सकती, तो बॉल मेरा कुछ नहीं कर सकती। बारी तुम्हारी है, ये लो बॉल, दोबारा फेंको। अरे ये क्या है बकी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही होता है दोस्त, सब जानते हैं रूल्स के बारे में। ऐसा है तो अपने रूल्स के साथ तुम अकेले जाकर खेलो, समझे? ठीक है, मैं जा रहा हूँ खड़ूस कहीं के। मैं अपने दिमाग से अपने लिए नए दोस्त बना लूंगा। बस तेज दिमाग सही से काम करना चाहिए। हो गया, तुम सिर्फ मेरे साथ खेलोगे, समझे? छुपन छुपाई खेलते हैं। तुम अपनी आंखें बंद करो और पाँच तक गिनो। एक दो तीन चार पाँच, शुरू। रोबोट तैयार, आपका ठिकाना मिल गया है। अच्छा सच में, इतनी जल्दी? फिर से खेलते हैं। एक दो तीन चार पाँच, शुरू। रोबोट तैयार, आपका ठिकाना मिल गया। फिर से? इतनी जल्दी कैसे? इतनी जल्दी ढूंढ लोगे तो मजा कैसे आएगा? ठीक है, अब नया गेम खेलते हैं, तुम मुझे छुओगे। निशाना सामने है, पकड़ने का काम चालू। अब नियम के अनुसार आप छुएंगे मुझे। ये गलत है, तुम बहुत तेज हो। छोड़ो ये खेल, हम गेंद वाला खेल खेलते हैं। गेंद वाला खेल चालू। निशाना सामने है, गेंद से बचना है आपको। आपको बॉल से बचना है। अरे इस खेल का नियम है, क्या कर रहे हो? आपको बॉल से बचना है। बस करो, गेंद मुझे छू नहीं सकती है। कोई भी चीज भालू को छू सकती है। क्या क्या कहा तुमने? ये विज्ञान है, कोई भी ठोस चीज भालू को छू सकती है। ये आपकी बात को खारिज करता है। मुझे आपको याद कराना है, आपको अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेलना है। क्या करना है? छुपन छुपाई मेरे दोस्तों के साथ? मैं वापस आ गई। हाँ, मैं तो तुम्हें पकड़ने ही वाला था। दोस्तों क्या मैं भी खेल सकता हूँ? तुम्हारे बिना तो मजा ही नहीं आ रहा था बकी। लेकिन तुम अपने नियम फिर से नहीं बनाओगे यहाँ पर, समझे? हाँ नहीं बनाऊंगा। तो हम छूने वाला गेम खेलते हैं और इस बार तुम्हारी बारी बकी। एक मिनट, मैं किसी को भी छू सकता हूँ। बकी फिर से ऐसा मत करो। मजाक था, ऐसा नहीं करूँगा, सिर्फ नियम बताऊँगा। अगर तुम लोग मुड़े तो मैं जीत जाऊंगा। बाकी
कराटेबाज। कैसे हो बियॉन? वाह, तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? ये ऊपर की तरफ क्यों मुड़ गया है? तुम देख नहीं रहे हो, मैं कराटे की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वाह, कराटे करने वाला पहला धमाकेदार भालू, और एक दिन मैं सबसे अच्छा कराटेबाज बन जाऊंगा। जैसे पुराने जमाने में कराटेबाज योद्धा होते थे जो एक ही घूसे में लकड़ी को तोड़ देते थे। क्या बात है, मैंने हमेशा से कराटेबाज बनने का सपना देखा है। मैं लकड़ी तो क्या, एक घूसे में इस पेड़ को भी गिरा दूंगा। ये देखो, तुम क्या कर रहे हो बाकी? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हें पता है ना इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। मैं कराटेबाज की तरह इस पेड़ को तोड़ना चाहता था। हो सकता है कि ये पेड़ कराटेबाज ही तोड़ पाती हूँ। ये सही कहा तुमने, मुझे सही पेड़ ढूंढना होगा। अब दिखाऊंगा मैं कि मैं कराटेबाज हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस खम्भे को एक घूसे में तोड़ पाऊंगा। कराटेबाज भी ऐसा नहीं करते, लेकिन मैं इसे तोड़ूंगा। बस थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये सही रहेगा। अब ठीक है ना? ये हुई ना बात। अपने दिमाग की वजह से मैं बन गया हूँ महान कराटेबाज। बुराई को खत्म करूँगा असली कराटेबाज की तरह। मैं हूँ महान कराटेबाज। बाकी 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 बाकी, मैं कराटेबाज हूँ महान। पहली बार आपके सामने आ रहे हैं महान कराटेबाज पकाई। जो करेंगे कराटे का प्रदर्शन जंगल के पेड़ों को ठोकर से गिरा कर। हाँ, मैं भी। स्वागत है दोस्तों, फ्रेनी, बियॉन और दुनिया के सभी चाहने वालों का। मैं हूँ महान बकाई, 100 काली पट्टी जीतने वाला। अब मैं दिखाऊंगा महान कराटे बाजी के घूसे। मजा आएगा। क्या बात है, कमाल हो गया। अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा। बाकी वो पेड़ तो मजबूत लग रहा है, तुम कर पाओगे ना? अरे छोड़ो, पकाई के लिए सब आसान है। ये देखो। क्या मैं डॉक्टर को बुला कर ले आऊं? शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। बाकी ये क्या हो रहा है? लगता है गड़बड़ हो गई है, आरी ज्यादा चल गई। वैसे तो मैंने इतना ज्यादा भी कट नहीं किया था। अरे कराटेबाज पकाई, पीछे देखो। बाकी असली कराटेबाज को भागना भी आता है। अब मैं दिखा रहा हूँ कराटेबाज की भागने की कला। सच बताओ बाकी, आखिर तुमने किया क्या है? मैंने पेड़ों को एक बार भी गिरने लायक बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। ये जगह कुछ सही लग रही है। फंस गए पूरी तरह से। आ गई है असली कराटेबाज। मैं बचाऊंगी दोस्तों को, एक भी पेड़ नहीं छू पाएगा इनको। मैं हूँ कराटेबाज। हमारे साथ असली कराटेबाज है। ये फ्रेनी, हम एक घूसे में इन्हें कब तोड़ पाएंगे? मैडम फ्रेनी बोलो, प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है मैडम फ्रेनी, बुराई का अंत करेगा दुनिया का सबसे महान कराटेबाज, वो है फ्रेनी। ये छोटी सी नन्ही सी फ्रेनी तो कमाल की निकली। राक्षस कौन?
एक समय की बात है, किसी दूर जंगल में दो बहादुर योद्धा एक राजकुमारी को राक्षस से बचाने के लिए गए। उनका नाम था सेनापति बकी और जादूगर बियॉन। ये उनकी कहानी है, उनकी बहादुरी की कहानी। ये राक्षस के पैर के निशान हैं। मैं उससे भिड़ने के लिए तैयार हूँ। खूबसूरत राजकुमारी जंगल के बीचों बीच अकेले बड़े से मीनार में थी, जिसकी रखवाली वो राक्षस दिन रात करता था। राजकुमारी ने पूरी ताकत से आवाज लगाई और योद्धा ने उसकी पुकार सुनी। मैं हमले की तैयारी करता हूँ, तुम पीछे से जाकर जादुई बारिश शुरू करो। नहीं, पहले हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और राक्षस को उसमें गिरा देंगे। उसके लिए अभी टाइम नहीं है, हमें हमला करना चाहिए। आखिर दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली। ये पत्थर बनेगा गोला और लकड़ी से मैं बनाऊंगा बड़ा गुलेल जैसा हथियार। दूसरी तरफ उसी जंगल में बादलों सुनो मेरी आवाज, मानो मेरी ख्वाहिश, शुरू करो बारिश। नाशपाती हो जाए खलास। ये क्या? ये तो मछली है। मेरी तलवार कहाँ चली गई? अरे माफ करना बकी, मुझसे गलती से ऐसा हो गया, पर शायद ये मछली तुम्हारे काम आ जाए। पर ऐसा नहीं था। राजकुमारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे थे। मेरे जादूगर बियॉन, अपने जादू से इस लकड़ी को तलवार बना दो। आहा, समझ गया, ये लो। अकार बकार, लकड़ी को बनाओ तलवार। ये भी ठीक है। इस महान राक्षस को बकी का सलाम। भागो यहाँ से। भागो। ये गड्ढा कहाँ से आ गया? मैंने खोदा था, पर ये तो राक्षस को फंसाने के लिए बनाया था। बढ़िया, अब ये हमें निगल जाएगा। और फिर कुछ अजीब सा हुआ। अरे ये कर क्या रहा है? तुम हमें निगलोगे नहीं? क्या हम तुम्हें उतने टेस्टी नहीं दिख रहे? मुझे खुशी है कि मेरे राक्षस ने तुम दोनों को बचाया। राजकुमारी आप, हमें लगा कि आपको मदद चाहिए। आप तो कब से चिल्ला रही थी, है ना? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मेरे दोस्त के पैर में कांटा चुभ गया है, क्या तुम उसे निकाल सकते हो? आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। मैं अभी ये कर देता हूँ राजकुमारी। मेरे जादूगर बियॉन, क्या मदद करोगे? उसके बाद उन लोगों ने जश्न मनाया और इस तरह ये कहानी खत्म हुई। हाँ, चलो हम इस कहानी को खेल सकते हैं। मैं बनूंगा योद्धा बकी और मैं बनूंगा महान जादूगर बियॉन, लेकिन मेरा जादू काम करेगा। तो फिर मैं राजकुमारी बनूंगी। तुम्हें तो राक्षस बनना चाहिए। अगर मैं राक्षस बनी तो तुम दोनों को निकल जाऊंगी। ठीक है, तो तुम राजकुमारी ही बन जाओ। तो चलो हम ये खेल शुरू करते हैं। खाने के लिए कुछ ले लिया है ना तुमने? कल खेलेंगे।
स्कूल प्ले स्कूल जाएंगे हम, खूब मजे उड़ाएंगे हम। बचाओ, ढकेलो, भागो। अरे दोस्तों गुड मॉर्निंग, चलो स्कूल स्कूल खेलते हैं। फ्रेश पर मत खेलो। सरेंडर मस्केटियर। मैं नहीं करूँगा। मस्केटियर कभी नहीं हारते। आओ, आओ। और इस तरह मेरा खेल खत्म होता है। और अब बकी, तुम्हारा बुरा आदमी बनने का टाइम शुरू। बुरा आदमी बनने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं जीतता। ओ फ्रेनी, क्या तुम हमारे साथ मस्केटियर खेलोगी? मजा आ जाएगा। तीसरा मस्केटियर बनना बहुत अच्छा है। हमारे पास तीसरा मस्केटियर है। सीरियसली? लेकिन सुनो, तुम इस गेम का जरूरी हिस्सा बनोगी और तुम्हें ये बनने में मजा आएगा। आइडिया, कौन सा हिस्सा है? तुम्हें बनना है पिन कुशन, इसका मतलब जानती तो हो। सरेंडर मस्केटियर। मस्केटियर कभी नहीं हारते। 100 एक के बराबर है और 100 के बराबर, ऐसा ही कुछ। मस्केटियर का पीछा, मस्केटियर की लड़ाई, सभी मस्केटियर्स को मजा आ रहा है ना? करे मस्केटियर मजा, वो भी अपने तरीके से, तो मस्केटियर का दिन होगा शानदार। सुनो दोस्तों, मस्केटियर बन सकती हूँ? हाँ जरूर, लेकिन आज बहुत देर हो गई है। बाय प्रेनी। तो ठीक है, कल पक्का रहा। मैं मस्केटियर बनने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। तुम मुझसे बच नहीं सकते बदमाश बियॉन। ऐसा नहीं है जंगली बकी, तुम हो डरपोक काबिर। 100 के बराबर, ऐसा ही कुछ। रुको, एक दो। फ्रेनी, हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आओ, मुझे वो तीर दो। धन्यवाद पार्टनर। अब धूल चको टेढ़ी नाक वाले बियॉन। तुम आलसी। फ्रेनी, क्या तुम मुझे पकड़ा दोगी? प्लीज जल्दी लाओ। क्या मैं तुम्हारे साथ काउबॉय खेलूं? हाँ बिल्कुल, लेकिन बाद में, कि अभी लड़ाई का वक्त है। जंगली बकी, टेढ़ी नाक बियॉन, ड्रॉ। क्या मैं ठीक खेलूं? हुहा, धमाका। एक और। और लो। बहुत थक गया, अब मैं काउबियर्स खेल के थक चुका हूँ। पकड़ लिया। क्या मैं काउबॉय फॉक्स गर्ल बन सकती हूँ अभी? हाँ बिल्कुल। आह, लेकिन अभी हम थक गए हैं, हम ये गेम कल खेलेंगे। कल? कल भी यही कहा था। खुश रहो फ्रेनी। मुझे कहो फ्रेनी ओकले। निशाने पर। हेलो फ्रेनी। हा? हमें तुम्हारी तो जरूरत थी। एक शार्प शूटर काउ फॉक्स? ओ बढ़िया। नहीं वो नहीं, आज हम दोनों मंगल अभियान खेल रहे हैं, तो हम दोनों अंतरिक्ष यात्री हैं और तुम एलियन मॉन्स्टर बनोगी। एक मिनट रुको, मैं तो एलियन मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती। तो तुम खेलना क्या चाहती हो? वेल, दरअसल हम लोगों को प्ले स्कूल खेलना चाहिए। मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगी। स्कूल बहुत ही बोरिंग होता है, चलो हम मंगल अभियान खेलें। कल हम प्ले स्कूल जरूर खेलेंगे, अब ठीक है ना? अपनी पसंद का गेम खेलने के लिए हमें कल का इंतजार क्यों करना पड़ता है? तुम हमें नहीं खा सकती, हम अंतरिक्ष यात्री हैं। बियॉन, जल्दी गेट बंद करो। अब हम इस गेम को थोड़ी देर के लिए मेरे रूल से खेलेंगे। लगता है एलियन चला गया, अब हम लोगों को बाहर जाना होगा। अरे ये क्या हो रहा है, इसको ताला लगा दिया बियॉन। हमेशा ये लोग अपने चलाते हैं। बाकी देखो, एलियन वापस आ रहा है, पर वो मंगल पर क्या कर रहा है? और ये बोर्ड किस लिए? तुम बहुत अजीब एलियन हो। अब तुम मेरी कैद में हो और मेरा शैतानी दिमाग तुम्हें वो सब सिखाएगा जो मैं चाहती हूँ, वो भी दो बार। नहीं, ये अत्याचार है। लेकिन तुम कुछ भूल रही हो, हमारा रॉकेट उड़ सकता है। ने। तुम कुछ कह रहे थे? बहुत हुआ फ्रेनी, ये बिल्कुल मजेदार नहीं है, हमें बाहर निकालो। एलियन जीत गया। ओके तो फिर ठीक है, मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना होगा। ठीक है, जो चाहो कर लो, कर लो ज्ञान का अत्याचार। अब ध्यान दो, हम बेसिक मैथ शुरू करेंगे। इन सिंबल्स को हम नंबर्स कहते हैं, नंबर्स। अब नोट्स बनाते हैं, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा टेस्ट भी होगा और सवाल, बहुत सारे सवाल, फिर एसेज, बुक रिपोर्ट्स, बहुत मजा आएगा। बड़ा जादूगर कौन?
हे बकी, क्या कर रहे हो? मैं अपनी घड़ी को ठीक कर रहा हूँ। बकी, क्या मैं तुम्हें जादू का कोई कमाल दिखाऊं? हाँ दिखाओ। तो ठीक है, 1 से 10 के बीच का कोई नंबर सोच लो और वो नंबर मैं बता दूंगा। मैंने सोच लिया। तुमने जो नंबर सोचा है उसका पता मैं इस जादुई गोले से लगा लूंगा। 1 है ना? नहीं। अरे मैं तो बस जांच कर रहा था। ये है 2। नहीं ये भी नहीं है। ए दोस्तों, क्या कर रहे हो? तो तुमने नंबर ही गलत चुना है। तुम्हें जादू ही नहीं आता, मैं नहीं मानता। मुझे जादू आता है, मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ, वही मेरा जादू है, मैं जादू जानता हूँ। अच्छा बताओ आज डेट क्या है? आज 3 तारीख है। तुम्हारा नंबर 3 है। नहीं ये भी नहीं। दोस्तों मेरा मतलब है कि आज क्या होने वाला है? हाँ पता है आज होने वाला है क्या। उत्तर में हमें भविष्य का अनुमान लगाना सिखाया जाता है और मैं अब भविष्य देख सकता हूँ। मैं बकी को घड़ी ठीक करते देख सकता हूँ। मतलब ये वाली घड़ी? ये कोई जादू नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें खुद बताया। हाँ लेकिन मैंने अपने जादुई गोले में भी देखा और अब ये बता रहा है कि वो नंबर 4 था। अभी भी तुमने गलत बताया। तो तुम्हारा मतलब है कि वो 4 भी नहीं था? अरे वो नहीं था, शायद मेरे गोले ने गलत देख लिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक नया जादू, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तुमने पहला जादू भी पूरा नहीं किया। ये तो मुझे कहीं और का प्राणी लग रहा है। इसकी टोपी में पूंछ क्यों है? दोस्तों स्वागत है, और बकी तुम कोई चीज चुनो और मैं बिना देखे बताऊंगा कि तुमने क्या चुना है। मैं देख सकता हूँ, ये है कोट टांगने का हैंगर। 1 मिनट, वो नहीं है। मुझे लगता है तुमने उठाया एक बर्तन। नहीं नहीं, ये जूता है। ये जूता है ना? तुमने अभी जूता उठाया। क्या बात है, तुमने बिल्कुल सही बताया। ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा दिमाग पढ़ा मैंने। नहीं ये चालाकी है। ये क्या है? ये है एक हैंगर। हाँ ये हैंगर है। बियॉन तुम नीचे क्या देख रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। पकड़े गए। चिकी तुम्हें सब बता रहा है, ये कोई जादू वादू नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, जादू ऐसे ही होता है। तुम्हें आता है क्या जादू करना? हाँ आता है। दोस्तों तुम्हें पता नहीं कि आज क्या हो रहा है? हाँ पता है, आज हमारे सामने आने वाला है एक महान जादूगर। आबरा का डाबरा अलग असम, दुनिया का सबसे महान जादूगर हूँ मैं। ऐसे दिखाऊंगा जादू, मेरे सामने लगेंगे सब फुद्दू। बिना किसी तरकीब के कर दूंगा मैं सब कुछ ठीक। कोई नहीं ले सकता मुझसे टक्कर, मैं हूँ ऐसा जादूगर। मैं हूँ बकी, जादू है मेरा कमाल, मचा दूंगा मैं धमाल। देखो मेरा पहला जादू, ये गया और यहाँ आ गया। तालियां दोस्तों। बहुत बढ़िया, क्या बात है, एक बार और। वाह तुमने ये कैसे किया? जबरदस्त है। फिर से दिखाओ। ध्यान से देखो, ये गया और ये वापस आ गया। फिर से गया वापस आया, फिर से गया वापस आया, फिर से गया वापस आया। गड़बड़ हो गई। ये तो जादू नहीं था, ये तो एक तरकीब थी। हाँ तुम्हारी तरह। दोस्तों अब मैं कुछ दिखाऊं, मैं भी तुम लोगों की तरह जादू दिखा सकती हूँ। क्या तुम्हें जादू करना आता है? हाँ दिखाओ, मजेदार होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी तैयारी करनी होगी। अब देखो मेरा जादू, 1, 2 और 3। ये क्या है, क्या हो रहा है? कुछ सही नहीं हो रहा है। ये क्या किया तुमने? ये क्यों किया तुमने? सूरज को वापस लाओ। ठीक है ये लो। शांत हो जाओ आप दोनों, तुम्हें पता है आज ग्रहण लगने वाला था। सच में? आज के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था, जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में आता है, और इसके बारे में मैंने टीवी पर देखा था। रैनी ये तो कमाल का जादू था, अब देखो बकी का जबरदस्त जादू। बकी तुमने उस वक्त सच बताना 5 नंबर चुना था ना? नहीं बिल्कुल नहीं। तो 7 था है ना? 7 था ना? नहीं 7 भी नहीं था, आबरा का डाबरा, वो नंबर था 6। इस गाड़ी
ये तो कमाल की है। ये। हे दोस्तों, हमें भी रेस के लिए खुद की गाड़ी बनानी चाहिए। ये तो गया। मैं सबसे तेज गाड़ी बनाऊंगा जिसके सामने कोई भी गाड़ी नहीं टिक पाएगी। हर रेस जीतने वाली इंजन, पेट्रोल और जबरदस्त स्पीड वाली। क्या हम पुराने तरीके की गाड़ी नहीं बनाएंगे? पेट्रोल से चलने वाली, काला धुआं छोड़ने वाली। हम बनाएंगे नई तरीके की गाड़ी, वो साफ सुथरे ईंधन से चलेगी, जैसे वो हवा से चलेगी और बादल की तरह कहीं भी उड़ जाएगी। क्या गाड़ी बिजली जैसी तेज होनी चाहिए? इंजन पेट्रोल से चलने वाली, हमें रेस जीतने वाली गाड़ी चाहिए। पर मेरी हवा वाली गाड़ी भी तेज होगी, मैं हवा से चलने वाली गाड़ी बनाऊंगा। सुनो दोस्तों, हम दोनों ही गाड़ियाँ क्यों नहीं बना लेते, फिर उन दोनों के बीच में रेस करवाएंगे। क्या बोलते हो, करें ऐसी रेस? हाँ बिल्कुल। ये ऐसे ही जीत कर दिखाऊंगा मैं। राइट साइड होगा लाल हेलमेट पहने हुआ बकी, जो अपनी सुपर बिजली से तेज चलने वाली गाड़ी बजूका में बैठा हुआ होगा। यह है दुनिया की सबसे तेज और मजबूत गाड़ी। और लेफ्ट साइड है नीले हेलमेट में हवा से बात करता बियॉन, जो है अपनी हवा से हल्की इको फ्रेंडली गाड़ी में। इसका नाम है बादल का साथी। अब आप दोनों अपनी गाड़ी का इंजन चालू करो। तैयार, एक दो तीन। मैं तो चला बादलों के पार। और तुम क्या कर रहे हो? मैं चला हवा के साथ, हवा की तरह। रूम, 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 रूम। हवा की तरह बह रहा हूँ मैं। रूम, 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 रूम। तेज। मैं हूँ दुनिया का सबसे तेज भालू। रूम। वाह। या। बाकी क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी स्पीडी कार में कुछ खराबी आ गई है शायद। पर मेरी इको फ्रेंडली गाड़ी में इस तरह की कोई खराबी नहीं आने वाली। आ, आ। ओ, लगता है हवा बंद हो गई है। क्या कोई मेरी मदद करेगा? बड़े दुख की बात है कि कोई भी गाड़ी रेस में नहीं जीती। लेकिन अगर हवा नहीं चलेगी तो मेरी गाड़ी कैसे चलेगी, बोलो? इसको बस हवा चाहिए, कहाँ से लाओगे? बाकी ये क्या है? एक पंखा, ये हवा को एक डायरेक्शन में फेंकता है। ओ, तो ये हवा फेंकता है? अभी हवा की जरूरत है किसी को, तुम्हें पता है ना? बिल्कुल सही कहा, साथ में काम करते हैं हवा के लिए। हाँ क्यों नहीं, फ्रेनी तुम तो इंटेलिजेंट हो। मेरा बिजली से तेज ही इंजन काम आ रहा है। हाँ। लेफ्ट की तरफ मुड़ो। ठीक है कैप्टन। घूम रहे हैं, खेल रहे हैं हम इस मौसम में। जो भी काम हम करते हैं मिलकर। हमें दोस्त हमेशा। हमने बनाई है दुनिया की सबसे तेज गाड़ी, वो भी मिलकर। सब कुछ करते हैं मिलकर।